कहते हैं कि जल ही जीवन है और सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक है डेली टू डेली लाइफ में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो बागबेड़ा से यहाँ पर आए हुए हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर उस क्षेत्र में, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो जहाँ शहरी क्षेत्र में सारी सुविधाएँ, चाहे वो मूल सुविधा हो या फिर जो भी सुविधा नागरिक सुविधा के नाम पर लोगों को मिलनी चाहिए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे कहीं ना कहीं वंचित भी हैं और ना जाने कई सालों से वंचित है कि पानी जैसी समस्या के लिए भी अगर आपको आंदोलन करना पड़े, अगर आपको विरोध करना पड़े या फिर आकर ज्ञापन सौंपना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की विडंबना भी है। नमस्कार जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है राजीव और इस वक्त डीसी ऑफिस में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मसला है। अपना नाम बताइएगा। सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति, संपूर्ण गागड़ी विकास समिति के संरक्षक। बातचीत के लिए स्वागत है, यहाँ आने का कारण बताइए। हम लोग तो यहाँ बरसों से चले आ रहे हैं और हम लोगों के द्वारा 237 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिस योजना को लेकर 2005 से क्रमबद्ध हमारे आंदोलनकारी छोटराय मुर्मू जी, कृष्णा चंद पात्रो जी, रितु सिंह जी, परवा हाजदा जी, अमीना खातून जी, रुपेश शर्मा जी, संतोष जी, कृष्णा चंद पात्रो जी, सपन दास जी, श्वेता जी, हमारी महिलाएं, माता बहन, जिन्होंने अपना पूरा योगदान, पूरा समय दे करके 399 बार धरना, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमर अनशन, लोकसभा का बहिष्कार, विधानसभा का बहिष्कार, यहाँ तक 6 बार विधानसभा का घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव, यहाँ तक कि जमशेदपुर से पद यात्रा कर इसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना को उतारने के लिए विधानसभा, जमशेदपुर से पद यात्रा कर विधानसभा का घेराव कर 237 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर प्राप्त किया, और उसके बाद भी ये योजना 237 करोड़ रुपया का बंदर बांट हो गया। आज फिल्टर प्लांट ध्वस्त हो गया, जो पाया पर से पाइप गुजरना है, जनता को पानी भी नहीं मिला और वो पाया भी ध्वस्त हो गया। इस तरह से अब हमारी मांग खाली पानी ही नहीं है, पानी में संलिप्त जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको भी अविलंब उनसे पैसे वसूले जाएँ, सरकार उनसे अविलंब पैसा वसूले और उस पैसे को पानी के मद में खर्च करे। 237 करोड़ रुपया का जो बंदर बांट हुआ है उस पैसे को कलेक्ट करें और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जनता को सुपुर्द करें। इसी मामले को लेकर जमशेदपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा का घोषणा हमारे तमाम आंदोलनकारियों ने कर दिया है। 21 मार्च को जमशेदपुर से हम लोग पैदल दिल्ली तक 73 दिन की योजना, हमारी पदयात्रा के माध्यम से हम लोग घेराव करने लोकसभा पर माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं कि हमें कहीं से पानी नहीं मिला, अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमें पानी दें, क्योंकि हमने 2005 से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी बड़ी योजना को भी धरातल पर लाया, लेकिन ये टाइम फिक्स हो गया। 2022 आ गया, 2015 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने शिलान्यास किया, 2018 में सभी लोगों को घर घर पानी मिलना था, 4,25,000 जनता इस पानी के बूंद बूंद से तरस रही है, और ये 22 आ गया और पैसे का बंदरबांट हो गया, हम जनता जनार्दन को पानी नहीं मिला, बाध्य होकर के पुनः हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के लिए 21 मार्च को जमशेदपुर से पदयात्रा करने जा रहे हैं, और 6 दिन के छठा दिन हम लोग रांची विधानसभा पर पहुंचेंगे, वहां पर राजभवन का घेराव करेंगे और वहां से फिर हम लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, यही हमारा योजना है। हमारे साथ में छोटराय मुर्मू जी हैं, रितु सिंह जी हैं, परवा हाजदा जी हैं, हमारे संतोष जसवाल जी हैं, रुपेश शर्मा जी हैं, हमारी महिलाएं, माताएं, कृष्णा चंद पात्रो जी हैं। तो आज यहाँ पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे, आज हम लोग डीसी को ज्ञापन दे दिए, बात हुई, अभी हमने ज्ञापन दे दिया, माननीय सांसद महोदय जिससे भी हम लोगों ने मिला है, और वे आंदोलन में कोई आश्वासन उन्होंने दिया, वो हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं और लेंगे भी, वो हमारे पदयात्रा में भी शामिल रहेंगे, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है, आश्वासन ही नहीं, वो आगे भी इसके लिए कदम उठाए हुए हैं और वो इस आंदोलन में लड़ेंगे भी। मैं चाहूँगा हमारे छोटराय मुर्मू जी से भी आप अपना इस संवाद में, रितु सिंह जी, परवा जी, कृष्णा जी, संतोष जी, सभी से आप कम से कम कुछ वक्तव्य लें, क्योंकि आंदोलनकारी बढ़ चढ़ करके इतने बड़ी परिश्रम करके इतना बड़ा आंदोलन किए हैं, और आपका सोशल संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि जो इस मामले को आपने उजागर किया, जैसे बागबेड़ा कॉलोनी का जलापूर्ति योजना को आपने उजागर करके लोगों को पानी पिलाने का कार्य किया, उसी तरह से ग्रामीण जलापूर्ति योजना में भी आपके सोशल संवाद को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मामले को आप हमारे क्षेत्र में आकर जनता की राय और जनता जो परेशान है उसका एक एक क्षण का
आप अपने संवाद के माध्यम से सभी जनता जनार्दन और सरकार को आप इसको घेरने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं सुबोध झा। हमारे साथ छोटराय मुर्मू जी मौजूद हैं। दादा, बातचीत के लिए स्वागत है। लंबे समय से विभागीय लापरवाही और सरकार के अनदेखी से बागबाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति का योजना का जो कार्य है पूरी तरह से ठप है। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही और घटिया निर्माण को दर्शाती है। जिस तरह से हमारे सुबोध जी ने विवरण रूप में सारा आंदोलन जो हम लोग किए सारा चीज़ डिटेल में बताया, करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आम जनता को पानी नहीं मिलना चिंता का विषय है और आज सफ़ेद हाथी साबित होने के कगार में है। अब योजना से आम जनता को पानी ही नहीं मिला और योजना ध्वस्त की ओर है, ये तो आम जनता के साथ धोखा ही है। जनता से ली गई जो भी रकम सामान्य वर्ग से 450 और STSC से 225 रुपया और 5 वर्ष से हमें पानी जैसे मौलिक अधिकार से वंचित रखा है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और 21 मार्च तक बागबाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू नहीं होती है और योजना के तहत घर घर पानी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो हम 21 मार्च से दिल्ली के लिए कुछ करेंगे और इसका पूरा जवाबदेही विभाग और राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद बातचीत के लिए। आइए अब आप देखिए कि विडंबना कैसी है व्यवस्था में, कितना ज़्यादा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मौलिक अधिकारों के लिए भी लोगों को जमशेदपुर से चलकर पद यात्रा कर दिल्ली जाने की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार विफल है, प्रशासनिक पदाधिकारी भी और जो अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल विभाग हो या फिर ये जितने भी विभाग होती हैं जिनमें वो पदाधिकारी और वो कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्हें इन लोगों के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि सुविधाएं जो है, आइए बात करेंगे कि कुछ सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी, लेकिन जब पदयात्रा करनी पड़ रही है और जाकर सीधे गुहार प्रधानमंत्री जी से लगानी पड़ रही है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी भी व्यवस्था में कितनी कमी है और उसको कितना ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जल जो है मौलिक अधिकार होता है सभी लोगों का, वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए समान है और कोई भेदभाव की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। DC ऑफिस से ये वीडियो आपके लिए कर रहे थे। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, लेकिन ज्वलंत और आवश्यक मुद्दा है। वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सोशल मीडिया का पावर है और हम भी ये कामना और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो इतने लोगों तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँच जाए कि इन्हें पद यात्रा करने की ज़रूरत ना पड़े और इतने सालों का जो संघर्ष है उसमें इन्हें कोई ना कोई राहत ज़रूर मिले। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। मैं सृजन मिश्रा, जय हिंद दोस्तों।